हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल वाले वीडियो में हमने जो प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है पादप जल संबंध, इसके बारे में पढ़ा था। और उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? विसरण पढ़ लिया था, पारगम्यता पढ़ ली थी, प्रासरण तक पढ़ लिया था, प्रासरण की परिभाषा हो गई थी। अब आज हम प्रासरण के बारे में, प्रासरण कितने प्रकार का होता है, प्रासरण का जो प्रयोग प्रदर्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कल प्रासरण की परिभाषा हमने पढ़ी थी। तो प्रासरण किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के अणुओं या आयनों का प्रवाह अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा करवाया जाता है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलय का प्रवाह या गति करना ही क्या कहलाएगा? प्रासरण कहलाएगा। अब प्रासरण कितने प्रकार का होता है तो आज टाइप पढ़ते हैं प्रासरण के। प्रासरण के प्रकार, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो प्रासरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? अंतःप्रासरण और बाह्य प्रासरण। अब नाम आ रहा यहाँ पे अंतःप्रासरण और बाह्य प्रासरण। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अंतः है प्रासरण, अंदर की तरफ विलय का प्रवाह अंदर की तरफ हो रहा है तो वो तो क्या कहलाएगा? अंतःप्रासरण। और बाह्य प्रासरण की जो प्रक्रिया है तो उसमें विलय का प्रवाह बाहर की तरफ होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? बाह्य प्रासरण। तो किसी भी, मान लीजिए किसी कोशिका को अतिसांद्रित, अतिसांद्रित का मतलब अब इस प्रयोग में देख लीजिए अंतःप्रासरण और बाह्य प्रासरण। जब किसी पदार्थ को या अति सांद्रता वाला विलयन है उसमें कम सांद्रता वाली कोशिका को रख दिया जाता है तो कम सांद्रता की कोशिका, ये मान लीजिए ये कोई विलयन है और उसमें ये कोशिका रख दी गई, कोई भी घोल है, ये शर्करा का घोल है, ये मान लिया आप, ये शर्करा घोल और ये कोशिका है। अब ये शर्करा का घोल है तो ये क्या हो गया? अति प्रासरी विलयन, अति प्रासरी विलयन। अति प्रासरी विलयन किसको कहेंगे? जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है। और अल्पप्रासरी, कोशिका की जो सांद्रता है वो कम है तो वो क्या हो गया? अल्पप्रासरी हो गया। अब प्रासरण में क्या हो रहा है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। कम सांद्रता किसकी है? इसकी, कोशिका की। तो कोशिका में जो भी द्रव्य पदार्थ भरा हुआ है वो क्या है? बाहर की तरफ आएगा तो वो तो क्या कहलाएगा? बाह्य प्रासरण। और इसी कोशिका को यदि हम, कोशिका की सांद्रता यदि अधिक हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? अतिप्रासरी। और बाहर की तरफ है उसकी सांद्रता कम है तो उसको हम क्या बोल देंगे? अल्पप्रासरी। अब सांद्रता किसकी है? अधिक, कोशिका की। और बाहर वाले विलयन की सांद्रता क्या है? कम है। अब ये कम है तो कोशिका में जो भी बाहर से, जो इसकी सांद्रता कम है तो बाहर से अंदर की तरफ आयनों या अणुओं का प्रवाह हो जाएगा, कोशिका संकुचित तो वो स्फीति हो जाएगी। तो इस प्रकार से बाहर से अंदर की तरफ आना तो क्या कहेगा? अंतःप्रासरण। और प्रासरणिक क्रिया यदि अंदर से बाहर आ रहा है कोई भी अणु या आयन या कोई विलय तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य प्रासरण। तो पहला है अंतःप्रासरण, जब किसी कोशिका को अतिप्रासरी या जब किसी कोशिका को अल्पप्रासरी विलयन में रख दिया जाता है तो उस कोशिका की सांद्रता अधिक होने के कारण विलयन या आयनों का प्रवाह कोशिका की तरफ हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? अंतःप्रासरण कहलाएगा। जैसे ये मान लें कि जब किशमिश को खीर में रखा जाता है तो किशमिश की सांद्रता या जो दूध है उसकी सांद्रता क्या है? कम है। किशमिश की अधिक है तो दूध में या खीर में जब किशमिश डालते हैं तो पहले वो संकुचित होती है, खीर में डालने के बाद में क्या हो जाता है?
वो फूल जाती है किसके कारण, क्योंकि जो अंदर या जो उसकी कोशिका है मान लीजिए किशमिश की, उसकी सांद्रता क्या अधिक है और प्राशन क्रिया में क्या हो रहा है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, और दूध में डालने के बाद हम देखते हैं कि किशमिश फूल जाती है, तो बाहर से क्या जा रहा है अंदर। तो एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, तो क्या हो गया अंतःप्राशन। तो इसका अंतःप्राशन का एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, किशमिशें को दूध में डालने पर फूल जाना, क्यों क्यों फूले, क्यों क्यों, जो दूध की सांद्रता है वो कम है, किशमिश की सांद्रता क्या है अधिक है, तो बाहर से दूध का जो विलायक है वो किसमें प्रवेश कर जाएगा, किशमिश में, और वो क्या हो जाएगी फूल जाएगी। तो जब भी खीर बनाते हैं तो उसके बाद में वो फूल जाती है, तो वो तो क्या हो गया अंतःप्राशन। अब बाह्य प्राशन में क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ आएगा। तो ये मान लें कि हम किसी अंगूर की कोशिका को या अंगूर को अति प्राशनी विलयन में रख दिया जाता है, या शर्करा, ये मान लीजिए चीनी का घोल है और इसमें ये अंगूर रख दिया गया। अब चीनी या शर्करा का घोल है तो इसकी सांद्रता क्या हो गई, सांद्रता अधिक हो गई, सांद्रता क्या हो गई अधिक, और अधिक सांद्रता वाला विलयन क्या कहलाएगा अति प्राशरी विलयन। अब ये अति प्राशरी हो गया तो अंगूर की जो कोशिका की है वो सांद्रता कम है तो वो क्या हो गया अल्पप्राशरी विलयन। अब प्राशनी क्रिया में ये हो रहा है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, सांद्रता किसकी अधिक है इस विलयन की है, क्योंकि ये शर्करा डालने पर इसकी सांद्रता, पहले मान लीजिए जल है उसकी सांद्रता क्या है अंगूर वाला जो द्रव पदार्थ उससे कम है, लेकिन जल में हम क्या डाल रहे हैं चीनी या शर्करा डाल रहे हैं, तो उसकी सांद्रता क्या हो गई अधिक। अब ये अधिक होने के कारण अंगूर की कोशिका से जो द्रव पदार्थ है जो विलायक है बाहर की तरफ आएगा, तो वो क्या कहलाएगा बाह्य प्राशन। तो बाह्य प्राशन का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, अंगूर को शर्करा के घोल में रखने पर संकुचित हो जाना, तो ये बाह्य प्राशन का हो गया, और अंतःप्राशन का क्या हो गया, किशमिश को जब दूध में डालते हैं तो वो पहले संकुचित अवस्था में होती है बाद में फूल जाती है, क्योंकि बाहर से किशमिश के अंदर प्राशन की क्रिया हो रही है तो अंतःप्राशन, और अंदर से बाहर हो रहा है तो वो क्या कहलाया बाह्य प्राशन कहलाया। तो अंगूर मीठा होता है उसकी भी सांद्रता जल से तो अधिक होती है, लेकिन जल में हमने क्या डाल दिया चीनी या शर्करा डाल दी, तो सांद्रता किसकी होगी अधिक, बाहरी विलयन की होगी, तो बाह्य प्राशन क्रिया होगी। अब इसी अंतःप्राशन और बाह्य प्राशन का प्रदर्शन करने के लिए हमने थिसल कीप प्रयोग लिया यहाँ पे। तो प्राशरण का प्रदर्शन प्राशन जो प्रयोग, अब देखें हमने यहाँ पे दो डायग्राम बने हुए हैं, और ये जो है ये क्या कहलाता है थिसल कीप कहलाता है। अब ये थिसल कीप जो फुलावा है उसको नीचे से काट कर हम क्या कर देते हैं, क्योंकि मैंने कल भी बताया था प्राशन की क्रिया में, प्राशन की क्रिया में यदि अर्धपारगम्य झिल्ली को यूज नहीं लेते हैं तो वो परिभाषा आपकी गलत होगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब वो क्या करती है विलायक तो आता है उसके साथ साथ विलेय पदार्थ भी प्रवेश कर जाते हैं। तो इधर देखिए ये क्या लगा है अर्धपारगम्य झिल्ली, दोनों डायग्राम में देख लें आप, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये क्यों लगाई गई है, क्योंकि इसके द्वारा आयनों या अणुओं का प्रवाह हो जाएगा। अब एक तो ये बीकर देखें आप, ये बीकर यहाँ तक भरा हुआ है, और बीकर वाला जो विलयन है वो क्या हो रहा है इसकी सांद्रता अधिक है, और अधिक सांद्रता वाले को हम क्या बोल रहे हैं अति प्राशरी विलयन। सांद्रता बाहरी थिसल कीप से बाहर की तरफ है जो विलयन है या घोल है उसकी सांद्रता अधिक है, तो अधिक सांद्रता वाले विलयन को हम क्या बोलते हैं अति प्राशरी विलयन।
और थीसल केप में जो भी घोल भरा हुआ है या जो भी हमने विलयन लिया है उसकी सांद्रता क्या है? कम है, कम सांद्रता। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्पराशी विलयन। अल्पराशी क्यों है? क्योंकि उसकी सांद्रता कम है। यह अतिपराशी क्यों? होगी इसकी सांद्रता अधिक है। अपराशन क्रिया में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। अब ये थिसल कीप, ये मान लें कि जो आपको ये रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, क्यों हुआ? क्योंकि सांद्रता किसकी अधिक है? बिक्र वाले विलयन की सांद्रता अधिक है और थिसल कीप की वाले विलयन की सांद्रता क्या है? कम है। तो यहाँ से ये आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, तो वो रिक्त क्यों हुआ है? क्योंकि प्राशन क्रिया अर्धपारग में झिल्ली लगी हुई है, तो प्राशन की क्रिया होगी और अर्धपारग में झिल्ली के कारण ही इसका जो अणु है आयन वो बाहर की तरफ प्रवाह या गति करेंगे। तो ये तो क्या हो जाएगा? खाली या रिक्त हो जाएगी। और इसकी पहले मान लीजिए यहाँ तक इसमें जल था, तो ये जल इसके अंदर आ गया किसकी क्रिया के द्वारा? प्राशनी क्रिया के द्वारा। तो ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये जो पहले वाला डायग्राम है आपको थिसल की दिखाई दे रहा है, तो इस किसका प्रदर्शन हो रहा है? बाह्य प्रदर्शन, बाह्य प्राशन। पहले वाले डायग्राम, तो अंदर से बाहर की तरफ अणु या आयनों का प्रवाह, ये जो एरो का चिन्ह है ये किसको व्यक्त कर रहा है? कि अंदर से बाहर की तरफ अणु या आयन आ रहे हैं। अब अगले डायग्राम में देखें आप, इसमें भी अर्धपारगम में झिल्ली लगी हुई है और एरो का चिन्ह क्या कर रहा है? कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे ये थिसल कीप यहाँ तक ही भरा हुआ है, क्यों? ये खाली हो गया था। अब इसमें देखें आप, तो यहाँ तक जल था, अरे जल यहाँ तक आ गया, क्यों? क्योंकि जो थिसल कीप में जो विलयन या घोल है वो कम सांद्रता का है और कम सांद्रता वाले को हम क्या बोलते हैं? अति प्राश्री विलयन बोलते हैं। अधिक सांद्रता वाले को क्या बोलते हैं? अधिक सांद्रता वाले को हम क्या बोलते हैं? अति प्राश्री बोलते हैं। और कम सांद्रता वाले को हम क्या बोलते हैं? अल्पराश्री विलयन। अब यहाँ पे अल्पराश्री कौन सा है? बिक्र वाला अल्पराश्री है और कम सांद्रता है उसकी, और थिसल की वाला अति प्राश्री है क्योंकि इसकी सांद्रता अधिक है। अब प्राश्री क्रिया में वही बात, कम से अधिक सांद्रता वाले अर्धपारगम में झिल्ली के द्वारा कम से अधिक सांद्रता वाले जो विलयन की तरफ अणु या आयनों का प्रवाह क्या कहलाएगा? यहाँ पे प्राशन कहलाएगा। तो क्या जा रहा है? बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं अणु आयन, तो वो किसका प्रदर्शन हुआ? अंतःप्राशन प्रक्रिया का। तो दूसरे डायग्राम में जो प्रदर्शन हो रहा है वो अंतःप्राशन का हो रहा है, पहले में बाह्य प्राशन का हो रहा है। अब विसरण पढ़ लिया हमने, पारगम्यता पढ़ लिया हमने, प्राशन पढ़ लिया हमने, और प्राशन का प्रयोग प्रदर्शन हमने पढ़ लिया। इसके अलावा और भी प्रयोग हम प्राशन के बारे में लिख सकते हैं, जो आलू का पोटेटो ओस्मोमीटर प्रयोग होता है। लेकिन अब इस प्राशन क्रिया के आधार पर विलयन कितने प्रकार का हुआ? विलयन के प्रकार अब दो तो विलयन के प्रकार हम इस जो डायग्राम में समझ में आ रहे थे, अतिप्राश्री और अल्पराश्री। अब इस प्रकार से प्राशन क्रिया के आधार पर विलयन तीन प्रकार का होता है। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? संप्राश्री विलयन, या इसको हम इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? आइसो टोनिक, और दूसरा होता है अल्पराशी।
इसको क्या बोल सकते हैं हम इंग्लिश में, हाइपोटोनिक। तीसरा है अतिप्रासरी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपर टोनिक। अब तीनों विलयों में से दो विलयन तो हम अंतःप्राशन और बाह्य प्राशन में देखा था, तो उस आधार पर ही विलयन की परिभाषा हम समझ सकते हैं। ये मान लें कि इनके अंदर ये कोशिका है और इस विलयन में भी कोई घोल भरा हुआ है। अब इस सेल और बीकर दोनों का जो घोल या विलयन है, दोनों की सांद्रता यदि समान सांद्रता है तो वो क्या कहलाएगा, समप्राश्री विलयन। क्योंकि न तो ये दोनों की सांद्रता बराबर है, न तो इससे अणु बाहर आएंगे न इससे अंदर जाएंगे। तो जब किसी कोशिका को उसकी समान सांद्रता वाले घोल या विलयन में रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, समप्राश्री। अब इसी डायग्राम में ये देख लें कि हमने अल्पप्राश्री और अतिप्राश्री लिया है। अल्पप्राश्री का मतलब क्या हो गया, अल्पप्राश्री का मतलब है जो कोशिका है उसकी सांद्रता कम है। ये मान लीजिए इसकी सांद्रता क्या है, कम। विलयन ले रहे हैं तो इसकी सांद्रता अधिक मान लेते हैं हम, कोशिका की सांद्रता क्या हो गई, अधिक। और बाहर बिकर की सांद्रता कम है तो वो क्या हो गया, अल्पराश्री। और अधिक सांद्रता के कारण वो क्या हो गया, अतिप्राश्री। अब ये अल्पराश्री है तो ये जो कोशिका है उसमें अधिक सांद्रता या अतिप्राश्री विलयन होगा। तो अधिक सांद्रता, जब किसी विलयन में अधिक सांद्रता वाली कोशिका को रखा जाता है तो प्राशन का गति या प्रवाह अंदर की तरफ होगा या बाहर, क्योंकि प्राशन में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ हो रहा है अर्थपार्क में झिल्ली के द्वारा। तो सांद्रता इसकी अधिक है तो इस बिक्र वाले विलयन का प्रवाह किस में हो जाएगा, कोशिका में, और कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्फीति हो जाएगी। तो बाहर का क्या है, अल्पप्राशन। तो जब किसी कम सांद्रता, जब किसी कोशिका को कम सांद्रता वाले विलयन में रखा जाता है तो वो कोशिका प्राशन क्रिया के द्वारा फूल जाती है, वो क्या कहलाएगा, अल्पप्राश्री। अब नाम आ रहा अतिप्राश्री। अब अतिप्राश्री है तो ये विलयन मान लीजिए इस बीकर में क्या है, अधिक सांद्रता वाला अतिप्राश्री। तो सांद्रता किसकी है, इस विलयन की अधिक सांद्रता है। और कोशिका की सांद्रता क्या हो गई, यहाँ पे कम सांद्रता हो गई। और प्राशन क्रिया में क्या हो रहा है, प्राशन क्रिया में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलयन का प्रवाह होता है। तो इसमें देखें अतिप्राश्री है तो जो कोशिका का जो विलायक है या जो द्रव पदार्थ है वो क्या आएगा, अंदर से बाहर की तरफ आएगा। और बाहर की तरफ आएगा तो वो प्रक्रिया क्या होगी, बाह्य प्राशन। और बाह्य प्राशन कब होता है, जब किसी कोशिका को अधिक सांद्रता वाले या अतिप्राश्री विलयन में रख दिया जाता है तो वो बाह्य प्राशन की प्रक्रिया होती है। चलो तो आज प्राशन का प्रदर्शन पढ़ लिया, विलयनों के प्रकार पढ़ लिए, आगे जो जीवद्रव्य कुंचन है या जल विभव है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।